सब जानते ही हैं, यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में हम आप सब के बीच एक बार फिर से बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस टूट रही है, इस तरह की खबरें लगातार हैं। गुजरात चुनाव से पहले जिस तरह से संयम लोढ़ा ने कांग्रेस को आगाह किया है, और इन सब के बीच हम आप सबको हमारे रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भले ये ना जाने, लेकिन जिस तरह की नीतियों से कांग्रेस पार्टी चल रही थी, इसे लेकर सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी घिरी हुई थी। अब कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 में जो गुस्सा फूटा है, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद के साथ डिनर पार्टी में सोनिया गांधी इस्तीफे की बात से तो बच गई, क्योंकि सोनिया गांधी से कहा गया कि वो अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन चार नए चेहरे शामिल होने की खबर आ रही है। इन सब के बीच महंगाई भी है एक टैक्स, ये कहकर राहुल गांधी ने भाजपा पर अपना गुस्सा निकाला है। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए आगाह किया है कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से इस तरह की महंगाई से लोगों की रक्षा करते और तुरंत एक्शन ले ये कहा है। महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबी और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी थी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से अधिक है। खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है। कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित किया है। इस तरह से भाजपा पर सवाल या निशान खड़ा किया गया है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय है, और इससे पहले राहुल गांधी FD, PPF, EPF और महंगाई जैसे जुड़े आंकड़े शेयर करते हुए FD को 5.1%, PPF को 7.1% और EPF को 8.1%, खुदरा महंगाई पर 6.07% और थोक महंगाई दर 13.11% बता दिया है। राहुल गांधी ने सवाल किया, जनता को राहत देने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? अब PM नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने बहुत ही बड़े सवाल को खड़ा किया, जबरदस्त सवाल जिस पर चर्चा हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।